गुड मॉर्निंग ज्वालाजी, आज आपको पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं आज के विषय में बताते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के विषय में आप लोगों ने पहले अध्ययन किया है, पिछले वीडियो नंबर 3 में हमने आपको बताया था संवरक का नियम। संवरक का नियम और हमने बताया था क्रम विनिमय नियम, क्रम वी नी में नियम, और हमने बताया था आपको सहचर नियम, सहचर नियम बताया था हमने, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक, आज हम उनके आंगे बताने जा रहे हैं। जैसे एक बात बतानी है आपको, प्रतिलोम, प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो योग की संक्रिया के लिए प्रतिलोम अलग और गुणा की संक्रिया के लिए प्रतिलोम अलग होता है। जैसे माना कि हमारे पास कोई एक संख्या ए है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए। ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस। इसी प्रकार से ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होता है। ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 ए और ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए होता है। अब आपको कुछ सवाल, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है 47 4 5 गुणा 0, तो हमको शून्य का अर्थात शून्य का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। नियम का बना a × 0। इसी प्रकार से अगर हम किसी संख्या में शून्य घटाते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है, परंतु अगर शून्य में वही संख्या में घटाते हैं तो वही संख्या हमें ऋणात्मक प्राप्त होती है। तो इसी क्रम में कुछ सवाल हम करते हैं। जैसे ये लिखा है 576 × 732 बराबर, यहां पर अब क्या भरा जाएगा? यदि कि 576 है तो 576 यहां है, यहां 732 है, यहां पर 732 होना चाहिए, क्योंकि क्रम विनिमय नियम से हम a × b = b × a लिख सकते हैं, तो ये 732 होगा। इसी प्रकार से सवाल है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसी ये सवाल है। 25 × 2384 × 4। तो अगर हम क्रम से गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करें, फिर गुणनफल प्राप्त हो उसका गुणा इसमें करें। लेकिन अगर हम सहचर नियम को लगा लें, हम 2338 × 25 × 4 पहले इसका गुणा करवा, तो 2338 × 100
2384। आप सौ का गुणा करवा लेते हैं तो यह आसानी से प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये सवाल हल हो गया। अब इसके बाद इसीलिए कोई सवाल है इस सवाल को बताऊंगा। 5 × 348 × 80 को हम लिख सकते हैं 5 × 80 × 348। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 45 × 3 = 4। हमारा ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम से। तो क्रम विनिमय नियम से वैसा लिख सकते हैं, शैस्त्र नियम से वैसा लिख सकते। अब एक बड़ा करवा लेते 4 × 8 = 32 हाँ से लगे 3 × 4 = 16 × 3 = 19 7 × 12 = 3 को गुणनफल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमको इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब हम उसके पश्चात दूसरा सवाल लेंगे। वितरण नियम की सहायता से सरल कर, तो इसको गुणा करना है, सरल करना है, लेकिन वितरण नियम की सहायता से। तो अब इसको ऐसा ले सकते हैं अब ये योग की संक्रिया पर गुणा का वितरण नियम लगाना है। तो योग की संक्रिया पर गुणा का वितरण नियम आपको पढ़ाया गया था। ये इसे का गुणा बी ने कर दिया, ये गुणा बी है, इसे का गुणा सी कर दिया, ये गुणा सी, बीच में एक प्लस है, तो एक प्लस है, ऐसे इसमें कर दिया। अब आप इस पर गुणा करते 8 × 56 हाथ से लगे 5 × 8 = 64 64 में 5 जोड़ दीजिए 64 × 5 = 72 कि 9 हाथ से लगे 6 8 × 32 और 6 = 32। अब आप इसको जोड़ दीजिए 0 में 6 जोड़ दीजिए 6 0 में 9 जोड़ दीजिए 9 0 में 8 जोड़ दीजिए 8 7 में 3 जोड़ दीजिए 7 × 3 = 10 8 × 1 = 9 और 4 इस प्रकार से ये आंसर। तो वितरण नियम की सहायता से ये सवाल। और इसके बाद और एक सवाल देख लीजिए। वितरण नियम की सहायता से आपको 67 से 94 ये, तो इसको भी हम वितरण नियम की सहायता से अंतर हम इसको लिख सकते हैं 67 × 54 × 100 − 6। अब आप 100 में 6 घटा देंगे तो 94 बच जाएगा, अर्थात घटाने की संख्या पर गुणा का वितरण नियम। तो इसका मतलब हो गया 7 × 54 × 100 − 6 × 7 = 54 − × 6
अब आप घटाती गुणा कर दीजिए, पहले 67 54 डबल जीरो माइनस 6 24 24 हासिल लगे 2, 6 25 30 और 2 32 हासिल लगे 3, 6 42 3 45 हासिल लगे 4, 6 36 36 और 4 40। ये हो गया, जीरो में आप 4 जोड़ के घटाएंगे तो आप चाहे तो अलग दे सकते हैं, 67 5 4 0 0 और ये 04 05 और 4 आप ऐसे घटा कर सकते हैं। इससे दाय लेंगे यहां 10 ना इसको देंगे यहां 10 10 में 4 गए 6 तो आपने आप सो यहां पर 9 बचा 9 में 0 गया यहां पर 3 बचे इससे दाय लिया 13 13 5 गए यहां पर 4 बचे 4 में 0 गया 0 4 में 0 गया 4 यहां पर 7 7 में 4 गए 3 ये हो गया यहां पर कुछ नहीं 6। अब उत्तर की जांच कर लीजिए 6 4 10 हंसी लगा 1 9 और 1 10 हंसी लगा 1 8 5 13 हंसी लगा 14 हंसी लगा 1 4 1 5 4 3 7 बीच इसका मतलब सही। तो इस प्रकार से वितरण नियम की सहायता से आपने सवाल किया है, सीधे 94 का गुणा 6754 में नहीं किया, वितरण नियम का उपयोग करके आपने सवाल को हल किया। अब इसके पश्चात जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि यह 2 7 2 5 तो यहां पर क्या भरा है, तो आप जानते हैं कि शैक्षण नियम से ये होना चाहिए यहां पर 2 भरा। तो इस प्रकार से शैक्षण नियम को लगा करके हम ज्ञात कर लेते हैं यहां पर क्या होगा। अब इसके पश्चात आगे हम और इसी तरीके की समस्याओं को हल करेंगे, अपनी पाठ पुस्तक की सहायता से आप इस प्रकार की अन्य समस्याओं को लगाएं जिससे आपको इसका अनवरत अभ्यास होता रहे। इसके पश्चात एक सवाल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि सवाल है 998 गुणा 436 तो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 998 गुणा 436 तो अर्थात हम वितरण नियम लगाने जा रहे हैं। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे 1000 गुणा 436 माइनस 2 गुणा 4 6। अब इसके बाद में क्रम विनिमय नियम लगाने जा रहे हैं 436 गुणा 1000 माइनस 436 गुणा 2। अब हम सामान्य गुणा करने जा रहे हैं, 436 में 1000 से गुणा किया हो गया, अब 2 6 12 2 3 6 7 2 4 8 अब इसको हम घटा देंगे तो यहां से दाय दिया 10 इसको दिया 10 इसको दिया 10 यहां 9 10 में 2 गए 8 यहां 9
नौ में सात गए दो, यहां बचे नौ, नौ में आठ गए एक, यहां बचे पांच, अब पांच में यहां कोई अंक नहीं है, पांच तीन चार, ये आपका आंसर। इस प्रकार से योग की संख्या पर वितरण नियम, गुणा की संख्या पर वितरण नियम की सहायता से आपने गुणा करना सीखा और योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम भी सीखे। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम को मान लीजिए पांच, तो पांच का गुणात्मक प्रतिलोम एक बटे पांच होगा, पांच का गुणात्मक प्रतिलोम एक बटे पांच होगा। इसी प्रकार माइनस एक बटे दो का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस दो बटे एक माइनस दो, माइनस चार बटे सात का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस सात बटे चार, नौ बटे बीस का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर बीस बटे दो का योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस, माइनस तीन बटी चार का योगात्मक प्रतिलोम बराबर प्लस तीन बटी चार, तीन बटी सात का योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस तीन बटी सात। इस प्रकार से योगात्मक प्रतिलोम में आप देखते हैं कि चिन्ह बदल जाता है और गुणात्मक प्रतिलोम में आप देखते हैं कि अंश और हर आपस में बदल जाते हैं। तो आज आपने गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, योग की संख्या पर वितरण नियम की सहायता से गुणा करना और घटाने की संख्या पर, व्यवकलन की संख्या पर गुणा वितरण नियम की सहायता से गुणा करना आदि आदि विषय को सीखा। इसी शब्दों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो नंबर 3 समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस पर आधारित आगे की समस्याएं हल की जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को आज यहीं विराम देता हूं।